ओके तो हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन किस तरह से प्लान करना है। तो जैसे कि हमने मॉर्निंग में ट्रेड भी निकाला था, यहाँ पर अच्छा खासा हमने ट्रेड निकाला था और हमने दो ट्रेड ही लिया था। अलग एक ट्रेड को मैंने होल्ड किया था। सबसे पहला ट्रेड था जो 5 मिनट का स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ, ये 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूँ। सबसे पहला ट्रेड मेरा यही होता है। सेकेंड ट्रेड मैं आपको दिन भर वाली यानी की लेवल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेटजी को यूज़ कर हमने दोनों को पहले हमने 1200 बनाए, फिर उसके बाद हमने 2400 बनाया, ठीक है। फिर एक ट्रेड हमने होल्ड किया था बैंक निफ्टी का 38,300 का कॉल हमने होल्ड किया था। तो इसमें लगभग हमारा 2100 के आसपास यहाँ पर मतलब लॉस हुआ है ना। 1800 का ये था, 2100 का ये था, लगभग ओवरऑल कहने का मतलब कि 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एंड मतलब ये कि प्रॉफिट 300 है और ये सब ब्रोकरेज कट जाएगा, तो मतलब कहने के मतलब कुछ भी नहीं, मतलब प्रॉफिट हुआ। लास्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग रह गए क्योंकि मार्केट क्या हुआ, ब्रेक कर दिया था लास्ट में, ठीक है। और बाद में मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि रिस्क ट्रेड था, तो इसीलिए कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर हम बाद में ट्रेड लिए होते 38,000 ब्रेकआउट होने पर तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता अगर होल्ड करते हो ना, बट रिस्क की वजह से हो सकता है प्राइस रिवर्स हो जाए, है ना। तो कन्फर्मेशन नहीं था, तो होप के साथ कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे आपको ट्रेड करना है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको प्लान जो करना है, आपको इन सारे लेवल पर आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है। जैसे प्राइस इन सारे लेवल पर आता है, अगर 5 से 7 मिनट होल्ड करता है, होल्ड अगर होल्ड करता है प्राइस, तो डायरेक्शन वाइज आपको अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड करना है। जैसे अगर डाउन डायरेक्शन में आ रहा है तो अप साइड ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे मार्केट क्या हुआ, गोइंग अप गया, यहाँ पर प्राइस क्या हुआ होल्ड हुआ, पास गया, फिर क्या हुआ ब्रेक हुआ, एंड यार मोमेंटम मिला, ठीक है। एंड अगेन प्राइस क्या हुआ अप गया, है ना, अप गया तो मार्केट होल्ड किया, होल्ड किया इस लेवल पर 38,120 पे, एंड प्राइस ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो जब भी किसी लेवल पर प्राइस क्या हुआ, चाहे वो 38,000 चाहे 120 हो, 37,984 हो, 37,600 हो ना, 37,000 हो, चाहे 360 हो, तो किसी लेवल पे जब भी प्राइस रिस्पेक्ट करेगा तो आपको रिवर्सल ट्रेड करना है फ्रेंड्स, वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ध्यान करना है। 1 मिनट या 5 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी देखना। एंड यहाँ पर बात करें ओपन इंटरेस्ट का, ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम। लोग अभी आप लोग क्या देखते हो, आप लोग ओपन इंटरेस्ट से फोकस करते हो, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वॉल्यूम को आप स्किप मत करो, वॉल्यूम को भी देखा करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे 38,000 जो मैंने होल्ड किया था उसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या था, 46 लाख, है ना। ओपन इंटरेस्ट सॉरी वॉल्यूम क्या था, 46 लाख, एंड ओपन इंटरेस्ट क्या था, लगभग 90,000, ठीक। ये रहा 38,000, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आके देखो पुट साइड क्या हुआ, 65 लाख वॉल्यूम के साथ प्राइस को ब्रेक किया गया, जो कि मार्केट को क्या होना चाहिए, अप साइड जाना चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट 90,000 है और पुट्स में क्या है कि लगभग 80,000 मान लेते हैं, ठीक है, 77,000 को 80,000 मान लेते हैं, तो ये था टोटल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। बस चेंजेस क्या है यहाँ पर, 82,000 ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, कॉल साइड चेंज हुआ, है ना। कॉल साइड क्या, पुट साइड क्या, कॉल साइड चेंज हुआ, बट जो वॉल्यूम हाई भी हुआ है वो पुट साइड से वॉल्यूम हुआ। तो मार्केट क्या हुआ, ब्रेक किया गया है, समझ रहे हो आप, है ना। तो मार्केट क्या किया, ब्रेक किया गया, कंटिन्यू मार्केट को इसलिए डाउन ट्रेंड लाया गया, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट नहीं, आपको प्लस वॉल्यूम भी देखना है, तभी जाके परफेक्ट आपको एनालिसिस हो सकता है, ओपन ऑप्शन चांस है, ओके सर। बड़ा प्लस बात करते हैं ग्लोबल मार्केट का, देखो एक रीज़न ये भी है यहाँ पर कि ग्लोबल मार्केट की एशियन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ठीक है। एशियन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंस है, तो एशियन मार्केट आप देखो यहाँ पर कंपटीटिव क्या है, यहाँ पर आपका बेरी से लगभग 3-3% है ना, लगभग 600 पॉइंट, 300 पॉइंट, है ना, 300 पॉइंट, है ना, लगभग 150 पॉइंट क्या है, सब माइनस में, ठीक। और अगर ये रात में अगर ये रिवर्स हो जाता है ना, रात में ये लंदन सेशन ओपन 6:30 बजे के बाद मार्केट अगर रिवर्सल होता है तो मार्केट कल गैप ओपन होगा, बट अगर ये एशियन मार्केट रिवर्स नहीं होता है तो मार्केट डेफिनेटली 200-300 पॉइंट गैप डाउन फिर से ओपन हो सकता है, ओके। तो आपको रिवर्सल नहीं डायरेक्शन ट्रेड करना है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लिवर्स का। एंड मिलते हैं फ्रेंड्स, और बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर लाइव मार्केट पिटिशन भेजता रहता हूँ जिससे आपको सीखने को मिल जाएगा। एंड प्लस जो मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ, जो डेली ट्रेड लेता हूँ उसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पर, वो सब कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, मैं एकदम बिल्कुल अपडेट करता रहता हूँ, ओके। बाकी अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो, प्रॉपर आप सीख सकते हो की लेवल यूज़ करके कैसे आप इंडेक्स में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ओके। अगर आपको, अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आपको सिर्फ 5 मिनट ट्रेड करना है, आप वो भी ट्रेड कर सकते हो, ओके। यहाँ पर मैंने दो स्ट्रेटजी को डेवलप किया, दोनों वर्क करता है। आप अगर आपको इसके एक्यूरेसी वगैरह जानना है तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सिंपल आपको नौ, यहाँ पर जो 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी है, 9:15 से बहुत ज़्यादा ज़्यादा
9:30 तक आपको यूज ही करना है इसको, है ना। बस 15 मिनट के अंदर, मेरा तो कहना है सिर्फ 5 मिनट के अंदर ट्रेड निकल जाता है, बट मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि प्राइस अगर ट्रेड को होल्ड करना पड़ा तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा 9:30 के बाद हम ट्रेड ही नहीं कर सकते इस स्ट्रेटजी के साथ, ओके। तो इसमें यू वो लॉजिक है, करेक्ट। और डेली इसमें से हम ट्रेड निकालते हैं और डेली प्रॉफिट बनाते हैं। और बाकी इसका एक्यूरेसी वगैरह जानने के बाद तो इस ग्रुप में जो है ना, यहाँ पर मैं डेली अपडेट करता हूँ, है ना। यहाँ पर वो जो 1200 का प्रॉफिट है इसे मैंने किया था एक लॉट से, ओके दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।